The topic now we are going to discuss is international retailing or global retailing. Retailer को जब अपने country के अंदर एक अच्छी penetration मिल जाती है so the target of the retailer is to go across the border. उसके लिए business opportunities, countries ये सारी बातें एक बहुत ज़्यादा important हैं क्योंकि उसने business को expand करना है हम किसी भी international player की बात करेंगे international retailer की बात करेंगे वो तभी एक international retailer है जब उसने अपनी ज्योग्राफिक बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया और करेज की कि वो जाए और किसी दूसरे कंट्री के अंदर और सेट ऑफ़ कंट्रीज के अंदर और नंबर ऑफ कंट्रीज़ के अंदर जाए और अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करे और वहां पर एग्जाम्पल सेट करे अपने बिजनेस की सक्सेस की जो उसने अपने कंट्री के अंदर अचीव की है इंटरनेशनल रिटेलिंग के अंदर आपको क्या क्या काम करना है सबसे पहली चीज़ वॉट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू असेस योर इंटरनेशनल पोटेंशियल क्या जिस बिजनेस मॉडल के ऊपर क्या जिस काम को आप करने के लिए जा रहे हैं उसका इंटरनेशनल रिटेल पोटेंशियल क्या है इफ़ इट इज ए पोटेंशियल यू नीड टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप अगर पोटेंशियल नहीं है देन इट इज द राइट डिसीजन दैट यू शुड स्टे इन योर ओन कंट्री उसके बाद देन यू नीड टू टेक एक्सपर्ट एडवाइस एंड काउंसलिंग अगर आपको लगता है कि देर इज एन अपॉर्चुनिटी आपके बिजनेस के हवाले से इंटरनेशनली तो आपको फॉरन किसी एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है और काउंसलिंग लेनी है फॉर दी एक्सपर्ट्स जो कि इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस के एक्सपर्ट्स uh, हैं जो कि इन चीज़ों को इवेल्यूएट करते हैं हाउ टू गो इंटरनेशनल वेन टू गो इंटरनेशनल एंड वाई टू गो इंटरनेशनल दे विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन एंड विल गाइड यू टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप देन यू नीड टू सी कि मुझे किस कंट्री के अंदर मूव करना है ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंट्री के अंदर जाके इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर लें ऑफ कोर्स यू कैन बट व्हाट इज़ द राइट कंट्री टू सेलेक्ट वेयर यू कैन क्रिएट वेर यू कैन रेप्लीकेट द सक्सेस विच यू हैव क्रिएटेड इन योर ओन कंट्री एंड देन यू नीड टू डेवलप, यू नीड टू इम्प्लीमेंट यूनिट टू रिव्यू अ प्रॉपर इंटरनेशनल रिटेल स्ट्रेटी अगर आप एक प्रॉपर इंटरनेशनल रिटेल स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब हो जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं एंड देन यू रिव्यू इट अकॉर्डिंगली इम्प्रूव इट अकॉर्डिंगली तो आपके पास एक अच्छी सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो सकती है और एक बहुत बड़ा एवीन्यू ओपन हो सकता है बिकॉज देर इज़ नो लिमिट टू सक्सेस और आपके पास ग्रोथ के देर आर थाउजेंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच यू कैन मिल्क वंस यू गो इंटरनेशनल तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की तो दैट अफेक्ट सक्सेस ऑफ इंटरनेशनल रिटेलिंग स्ट्रैटेजी तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जब आप इंटरनेशनली जाते हैं तो नीड टू क्रीप इन टू कंसिडरेशन नंबर वन इज अबाउट द टाइमिंग इंपॉर्टेंट बात है किस टाइम पे आपने इंटरनेशनल मूव होना है इंटरनेशनल रिटेलिंग की तरफ जाना है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिस तरीके से कहा जाता है कि हर चीज़ का एक सही वक्त है तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस परस्पेक्टिव दैन अ बैलेंस्ड इंटरनेशनल प्रोग्राम सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस वट वट यू आर डूइंग लोकली एंड वट यू आर डूइंग इंटरनेशनली एंड दैट इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी इज शुड बी बैलेंस्ड ताकि इन केस इफ यू फेस सम फेलियर तो देन ऐसा ना हो कि आप अपने लोकल कंट्री से या अदर इंटरनेशनल कंट्री से भी यू हैव टू फेस कंसिक्वेंसिस फिर ग्रोइंग मिडल क्लास जिस कंट्री के अंदर आपने टारगेट करना है यू नीड टू इंश्योर कि वहाँ पर मिडिल क्लास ग्रो कर रही हो नाउ दे आर टू पैरामीटर्स मिडिल क्लास एंड ऑल्सो द यंग पॉपुलेशन अगर ये दो पैरामीटर्स ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि देर इज टारगेट मार्केट के हवाले से देर इज अवज पोटेंशियल दैट यू कैन गो एंड टारगेट दी दैट कंट्री वाई देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स कमिंग टू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज मिडिल क्लास इज ग्रोइंग बिकॉज यंग पॉपुलेशन इज ग्रोइंग

देन यू नीट टू सी कि मुझे इंटरनेशनली सोलो जाना है मुझे किसी जे वी में जाना है मुझे कोई पार्टनरशिप करनी है मुझे कोई स्ट्रेटेजिक अलायस करना है तो जो भी आपका स्ट्रैटी होगा आपको डिसाइड करना है और इवेल्यूएट करना है फिर देन यू नीट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्टोर लोकेशंस एंड द स्टोर फैसिलिटीज यू आर बेस्ट इन योर कंट्री बिकॉज यू नो ऑलमोस्ट एवरी थिंग अबाउट योर कंट्री बट वंस यू गो आउट Internationally, then you need to be very careful about the store location. You need to be very careful about the store facilities which you are going to offer. Even you need to be careful about what product color, what product packaging, what number of uh, uh, packaging size you are going to offer, which means a very nitty gritty of the information is required. Product selection, very important aspect. For example, if someone plans to sell. Uh, donkey meat in pakistan of course is not halal and ultimately will create a problem however if you go to poland that is the premium meat which is selling on the shelf of the stores and if you want to have uh, the meat of salami they call it salami uh, the halal meat uh, is not halal at the end of the day can you, from the name it looks like it is halal but ultimately in a particular country it is a premium product however in other country it is not Permittable, permissible by religion and by law as well. So, you have to carefully select all factors ko you need to take into consideration while going international. Internationally, it is a huge potential, but the target is to go safe, keeping in consideration all factors so that you can uh, create a success story for you as a retailer and for your country as well because that will set benchmark for others in the competition as well